हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटाखों का होलसेल बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके भी मन में है कि आप भी इस दिवाली दशहरा पटाखों का होलसेल बिजनेस करें या फिर आप बाद में भी करें, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सस्ते दामों में आप पटाखे कहाँ से खरीद के ला सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सा सामान हम लोग को चाहिए होगा, इसका जो मेन लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो लाइसेंस के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, तभी आप इस बिजनेस को अच्छे प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं और आप पर कोई खतरा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ का बिजनेस है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि कौन कौन सा सावधानी आपको रखना है वो सब मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही इस बिजनेस में हम लोग का कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा और इस बिजनेस में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा तो आप भी हर एक चीज़ समझिएगा और आप भी एक अच्छा खासा पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा, जहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग्स रिलेटेड वीडियोज़ को यहाँ पर देखने के लिए। स्टेप नंबर वन, फायर क्रैकर्स का, यानी कि पटाखों का अगर आप होलसेल में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक रूम चाहिए होगा। तो ध्यान रखना ये है आपको कि रूम ऐसी जगह ना हो जहां पर मतलब कि आग लगने का ज़्यादा संभावना हो, मतलब कि कपड़ा का दुकान या फिर कपड़ा का गोदाम, रुई का गोदाम, इस तरह की जगहों में आपको इस चीज़ को नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग को रूम कितना बड़ा चाहिए होगा। तो रूम आपको चाहिए होगा कम से कम 200 से 500 स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, 200 स्क्वायर फीट का रूम ले लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 500 स्क्वायर फीट का एक रूम लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रूम आपको ऐसी जगह लेना पड़ेगा जहां पर फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो है आसानी से आ सके। अगर इन चीज़ों का पालन किए बिना आप रूम लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिलने में असुविधा होगा। तो 200 स्क्वायर फीट का अगर आप रूम लेते हैं तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 10,000 पड़ जाएगा, अगर रेंट में आप लेते हैं, ठीक है। तो रेंट लेने के साथ उसका एग्रीमेंट भी आप करवा लीजिएगा, ताकि आपको जब मन तब मकान मालिक जो रहेगा वो भगा ना सके, इसलिए आपको एग्रीमेंट करवाना जरूरी होता है कोई भी रूम को किराए पर लेते समय। स्टेप नंबर टू, जब आप रूम कहीं पर ले लेते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस बनवाना होगा, ठीक है। तो लाइसेंस आप कैसे बनवाएंगे, तो देखिए इसमें दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं पटाखों का व्यापार करने के लिए। एक लाइसेंस होता है परमानेंटली और दूसरा होता है टेम्प्रेरी, ठीक है। तो टेम्प्रेरी लाइसेंस आपको नहीं लेना है, ठीक है। टेम्प्रेरी लाइसेंस उसको बोलते हैं जो कि एक महीना या फिर 15 दिन के लिए दिया जाता है पटाखों का बिजनेस करने के लिए। लेकिन आप इसको तो हमेशा के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको टेम्प्रेरी लाइसेंस नहीं बल्कि परमानेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो परमानेंट लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका लीगल प्रोसेस क्या है। तो फायर क्रैकर्स का परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए आपको किसी ब्रोकर को पकड़ना होगा, ठीक है, शुरुआत में, जिसको सारा कुछ पता हो। जैसे कि कौन सा ब्रोकर हो सकता है वो, जैसे कि किसी चीज़ का लाइसेंस वो बनाता हो सकता है टू व्हीलर का लाइसेंस बनाता हो, फोर व्हीलर का लाइसेंस बनाता हो। तो इस प्रकार के ब्रोकर को आप जब पकड़िएगा तो वो कहीं से जुगाड़ करके आपको बता देगा कि यहाँ से बनता है ये लाइसेंस, मैं आपको बनवा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा पैसे आपको ज़्यादा ले सकता है आपसे, ठीक है, लेकिन वो आपको लाइसेंस जल्दी में बनवा के दे देगा, क्योंकि उसको भी पैसे कमाना होता है। और अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, कोई ब्रोकर को नहीं खोज पाते हैं जो कि आपको ये लाइसेंस बनवा के प्रोवाइड करे, तो फिर आप अपने पुलिस थाना में जा सकते हैं, वहीं से बनता है, ठीक है, पुलिस थाना में जा सकते हैं, या फिर अपने एरिया के आप SDM ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर सबसे सरल तरीका बताएं तो किसी ब्रोकर को आप खोजिए जो कि लाइसेंस का काम करता हो, जो कि लाइसेंस बनाता है लोगों का, तो उसके पास जाके आप लाइसेंस बनवा लीजिए, वो आपको बना के दे देगा। तो ये जो लाइसेंस रहता है आपको स्टेट लेवल पर दिया जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता कि आपके स्टेट में किस प्रकार से ये दिया जाएगा, लेकिन ये जो तीन मेथड मैंने बताए आपको, इनमें से कोई भी अगर आप अपनाते तो आपको लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग लाइसेंस ले रहे हैं उसका कॉस्ट हम लोग को कितना पड़ जाएगा उस लाइसेंस को लेने के लिए। तो परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए आपको करीब 5,000 के करीब खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है। किसी किसी स्टेट में 10,000 भी ये खर्चा चल जाता है। तो जो आप ब्रोकर से मिलने वाले हैं वही ब्रोकर आपको बता देगा कि इतना आपका खर्चा हो जाएगा इस लाइसेंस को लेने के लिए। स्टेप नंबर 3, अब आ जाता है कि लाइसेंस भी हम लोग बनवा लिए और रूम भी एक किराए पर ले लिए, अब उसके बाद हम लोग को जो ये पटाखे हैं वो लाएंगे कहाँ से सस्ते दामों में। तो पटाखे अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उस फैक्ट्री से आप पटाखे लाइए, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आप, हो सकता है कि आप फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँ, उतने बड़े स्केल पर आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी बड़े बड़े मार्केट में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह के बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं, वहाँ पर आपको पटाखे के काफ़ी सारे बड़े बड़े होलसेलर मिल जाते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छे मार्जिन पर आपको पटाखे जो है प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप अगले रिटेल को बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फैक्ट्री से ही हमको लाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि तमिलनाडु जा सकते हैं, वहाँ पर जो है पटाखे का हब है पूरा, ठीक है। तो वहाँ आपको बहुत ही सस्ते में पटाखे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको तमिलनाडु नहीं जाना है, तो फिर आप अपने एरिया में भी कोई ऐसी फैक्ट्री खोज सकते हैं जहाँ पर पटाखे का निर्माण होता है, वहाँ से आप किसी से संपर्क करके वहाँ से पटाखे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पटाखे जो है किसी होलसेलर से खरीदने चाहिए, जो कि थोड़े बड़े स्केल पर पटाखों का व्यापार करते हों, उनसे आप ले लीजिए और आगे आप सप्लाई करके इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अब बात कर लेते हैं कि जो पटाखे आप खरीदेंगे उसको लाएंगे कैसे अपने गोदाम तक, या फिर जो आपने रूम लिया है वहाँ तक कैसे लाएंगे। तो उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए होगा, किसी से आप टाई अप कर सकते हैं, या फिर आप बस में भी ले आ सकते हैं अगर कोई बस चलता है तो। ट्रेन में कुछ किराया देना पड़ता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा कि क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ है, तो वो कैसे आप ला सकते हैं, उसका अलग से परमिशन चाहिए होगा, तो वो सब आप देख लीजिए। और फिर क्या होता है कि कई बार कई सारी फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं, कई सारे होलसेलर ऐसे होते हैं जो कि आपको घर तक पहुंचवा देते हैं पटाखे, ठीक है। और उनका थोड़ा सा फीस आपको देना पड़ता है, मतलब कि उसका जो किराया होता है वो आपको देना पड़ जाता है। तो जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप पटाखे को ला सकते हैं और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब आगे बेचिएगा उस पटाखे को, मतलब कि सप्लाई करिएगा, तब भी आपको एक गाड़ी चाहिए होगा। हो सकता है आप अपने बाइक में भी इसको बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे दुकानों को पकड़िए और सबसे पहले छोटे छोटे दुकानों को आप देना स्टार्ट कीजिए पटाखे, ठीक है। तो वो आपसे ले लेंगे, और आप देखिएगा कि बड़े बड़े दुकानों में हम जाके पटाखे सप्लाई करेंगे तो वो आपसे नहीं लेंगे शुरुआत में, क्योंकि उनका ऑलरेडी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़िए और उनको सप्लाई कीजिए अपना पटाखे। स्टेप नंबर 5, अब दो चीज़ों से आपको पटाखे को बचा के रखना हमेशा, नहीं तो आपका बिजनेस पूरा पूरी डूब जाएगा। तो क्या है वो सावधानियाँ, ये सुनिए। सबसे पहले तो आपको बारिश से बचा के रखना है, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि पटाखे गीला हो जाता है, जिसके कारण वो फिर जलता नहीं है, तो वो आपका पूरा पूरी पटाखे बर्बाद हो जाएंगे। तो आप उसके बाद पटाखे आपको ऐसा जगह नहीं रखना है जहाँ पर थोड़ा सा भी चिंगारी उत्पन्न हो, जैसे कि कोई घर है वहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली कनेक्शन है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ पर पटाखे में आग लग सकता है और पूरा पटाखे आपका जल जाएंगे। तो ऐसी जगह पर आपको पटाखे को संभाल के रखना है। हो सके तो आपने जहाँ पर पटाखे का रूम लिया है वहाँ पर आप बिजली मत लीजिए। स्टेप नंबर 6, अब बात करते हैं हम लोग कि इस बिजनेस में हम लोग को वर्कर चाहिए क्या या फिर नहीं चाहिए। तो अगर आप अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है, आप चाहते हैं दो वर्कर रखना, तो आप दो वर्कर रख सकते हैं। उसके साथ आपको एक गाड़ी भी चाहिए होगा, थोड़ा सा बड़ा गाड़ी। लेकिन अगर आप अकेले स्टार्ट करते हैं तो अपने बाइक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने बाइक से आप सप्लाई कर सकते हैं माल को। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं कि इस बिजनेस में उनका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें इस बिजनेस में, तो करीब आपको 10,000 का एक रूम पड़ जाएगा रेंट अगर लेते हैं तो, शुरुआत में आपको देना पड़ेगा 10,000 के करीब, ठीक है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको 10,000 में ही मिल जाएगा। आपके एरिया में कैसा चल रहा है, आपका अगर शहर में है या फिर कहाँ पर आप रूम लिए हैं, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अप्रोक्स पकड़ता हूँ तो आपको 10,000 के करीब लगेगा। उसके साथ ही आप जो माल खरीदेंगे, यानी कि फायर क्रैकर्स पटाखे जो खरीदेंगे, वो करीब आप 30,000 का तो आपको लेना ही पड़ेगा शुरुआत में, नहीं तो आप होलसेलर फिर क्यों है, ठीक है। तो कम से कम आपको 30,000 का माल लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट, जो उसको लाने में और सप्लाई करने में जो आपको खर्चा पड़ेगा, वो करीब मिला के 15,000 का पड़ जाएगा आपको, 15 से 20,000, ठीक है। टोटल हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्स आपको 60,000 से 70,000 के बीच इसमें खर्चा होने वाला है, ठीक है। इतना मैंने आपको लगभग बता दिया। इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप कर सकते हैं। तो इतना आपका खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है, अगर आप होलसेल में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 8, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ठीक है। तो जैसे आप माल बेचिएगा, जितना ज़्यादा माल सप्लाई करिएगा, जितना ज़्यादा बेचिएगा, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि 1,000 का माल बेचे तो आपको उस हिसाब से मिलेगा, आप 10,000 का बेचे तो उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको चलिए एवरेज हम बताते हैं कि आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा इस बिजनेस में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री वाला जो होता है वो आपके करीब 70% के मार्जिन पर वो छोड़ देता है, ठीक है, मतलब कि सप्लाई कर देता है आगे। उसके बाद बड़े होलसेलर के पास आता है, वो भी करीब 20% का मार्जिन अपने पास रख के बाकी का आगे सप्लाई कर देता है। उसके बाद चाहे तो आप बड़े होलसेलर से ले सकते हैं, जहां पर आपको 50% का मार्जिन मिलेगा, लेकिन उसको आप आगे भी सप्लाई करिएगा। कुछ मार्जिन रिटेल जो बेचेंगे उसके लिए भी आपको छोड़ना पड़ेगा, कम से कम
30% का, मतलब 30% का, ठीक है। तो आपके पास 20% का मार्जिन बचेगा। और अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का मार्जिन इस बिजनेस में मिल जाएगा। यानी कि डायरेक्ट अगर आप फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट करके और फैक्ट्री से लेते हैं माल और सप्लाई करते हैं आगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं अगर किसी होलसेलर से आप लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में, ठीक है। 20% से आपको 50% आप ही निर्धारित कर लीजिए, आपको फैक्ट्री से लेना है या फिर होलसेलर से लेना है। जैसे आप करेंगे वैसा आपका प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, वैसे भी 20% कोई खराब नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।